मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने दिया ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगे शासन के सम्मुख रखी गई। चाहती शासन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। डंपी खान की रिपोर्ट। आज जो है मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, हमने जुलाई और अगस्त दो महीनों में सरकार के साथ आंदोलन किया। सरकार के पास हम लोगों ने ज्ञापन भेजे और सरकार से हमको जो मिलना चाहिए था आधा अधूरा उन्होंने दिया, और हमारी बाकी मांगों पर हमने चाहा था कि सारे संयुक्त मोर्चा ने कि सरकार से हमारी चर्चा हो, लेकिन सरकार से बार बार आवेदन करने के पश्चात भी सरकार ने हमारे मोर्चा के प्रतिनिधियों को आज तक चर्चा के लिए नहीं बुलाया। तब मजबूर होकर आखिरी में संयुक्त मोर्चा की अभी 26 फरवरी को जो बैठक भोपाल में हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक जोरदार आंदोलन मध्य प्रदेश में हम करते हैं, और उसकी शुरुआत हमने आज से की है। और आज हमने चेतावनी स्वरूप यह ज्ञापन आज दिया है, और निकट भविष्य में हम मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव भी करेंगे, और जरूरत पड़ने पर इस बार ये तय हुआ है कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए भी तैयार हुए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से अंतिम बार यह अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, यथाशीघ्र मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे या मध्य प्रदेश के आंदोलन के लिए तैयार रहे।